सिख पंथ वाले तुहाडा प्यो जिउंदा साड़ के रख दिता, अज तुसी बर्दाश्त करोगे इस गल नूं? और आपां सारे किसे दे बंदे दे भोग ते नहीं आए होए, सानू गुरद्वारे चो रोक सकदे ने, बादल के सानू दरबार साहब चो कढ सकदे ने, पर साडे अंदरों दरबार साहब कढ के विखाउण जिन्ने बैठे आ। दरबार साहब चो कढ़िया कीर्तन नहीं करन देंगे, मैं तुहाडियां दरियां ते बह के कीर्तन करूंगा, तुहाडे टाटां ते तप्पड़ां ते बह के कीर्तन करांगा। अज घटना वापरी दुख सानू है, पर ये विकाऊ जेड़े पहाड़े दे लोक सन, इन्हां जो ही करतूत कीती जेड़ी दा खदसा सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दा इन्ना वड्डा कांड वापरिया होवे, इत्थे कही जावे जी आम गल है, चलो अगे देखो। पर इहदे तों घटनावां तों जेड़े सिख दे होण ओह कदे हादसियां दा शिकार नहीं हुंदे, जेड़े घटनावां नूं वड्डी गल कह के छड जाण भुल जाण, ओह अपणियां पुश्तां दा बेड़ा गर्क करन लई वड्डियां बन्न नूं बन्न के जाया करदे आ। इसलिए बेनती करदा है गुरु घर दा कीर्तनियां सिख सद्भावना दल दा सेवादार होण नाते गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर दा होका दिंदा होया, जिन्नियां जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां जिहड़ियां गुरु नूं प्यार करन वालियां, शहीद भाई लक्ष्मण सिंह दे वारस साका ननकाणा साहिब वालियां दे, उन्हां नूं मैं जीओ आया आखदा है, ते जिहड़े इत्थे महंता ने कट्ठे कीते है उन्हां दे बारे कहिंदा है मन मुखां नालों टुटी भली, क्योंकि इत्थे बहु गिणती अज जो टास्क फोर्स अज जो पुलिस प्रशासन ते नरैणू महंत फिर याद आया, गुरु सवारियो अज इत्थे असीं दुख साझा करन आए हां, जिथे उत्थे कुछ सिखण भी आए हां। सिखो प्यो भी तुहाडा साड़िया गया, सिखो तुहाडे प्यो दे भोग ते पछतावे दी जगह गंदी सियासत खेडी गई, और बादल कोड़मे दे सीरी रखे हुए मैंबर अपना काम करके शायद वो सोचते कि अहीं चले गए हां, असीं अपना काम कर लिया है, इदां तुहाडी जान नहीं जे छुटनी, चेता रख लियो। और जेड़े अज इत्थे अरदासां करन आए, जिन्हां ने इत्थे कीर्तन कीते, जिन्हां ने कीर्तन करवाए, और जेड़े श्रोमणी कमेटी दे मैंबर सीरी रखे हुए बादलां दे, इन्हां नूं कोई पुछण वाला हुंदा इत्थे ते इक सरूप सड़िया है, जेड़े श्रोमणी कमेटी ने 80 सार दित्ते सी उहदा जवाब कौन दऊ, इत्थे तां इक सड़िया है, तुसीं इक दी गल इत्थे करन लई और 10 लाख रुपया दे के मूँह बंद कर दिता इन्हां लोकां दा। ये जे कितने हिम्मत वाले होंगे करोड़ों का गुरुद्वारा बना लिया, अज 10 लाख के पिछे जमीर वेच छड़ी। मुबारकबाद उन्हां वीरां ने महाराज जी के सरूप कढ़े, पर 13,000 इत्थे ओ कुड़ी मार प्रधान आके अनाउंस कर जाए भी मैं 13,000 दऊं, ये तुहाडे प्यो दियां गोलकां ने जिन्हां नूं लुटा रहे हो तुसीं, घरों लियांदियां तुसीं, गुरु की गोलक दे विच्चों 10 लाख अनाउंस करता जी, तुहाडा प्यो सड़िया है, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਟਾਫਟ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਈ ਸਰੂਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। मैं ते धन्नवाद करदा सिख जथेबंदियां दा, भाई बचित्र सिंह भाई मरीक सिंह होनी सारे इन्होंने मिल के एक हमला मारिया, वो गया होया सरूप वापस मुड़वाया जी, किसी का बंदा मर जाए जिन्ना चिर उन्हूं इनसाफ नहीं मिलता चराहे च उहदा शरीर रख के इनसाफ मंगदे ने जी, ते तुहाडा तां प्यो साड़िया है, किसी पुलिस वाले का हाथ वढ जे कोई जूए पीए दे केस पा के अंदर कर देंदे ने, साडे प्यो नूं अग लगी है, अज पुलिस प्रशासन कित्थे है, किसे जे किते इनसाफ नहीं मिलिया पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन वकाऊ जथेदार जेड़ा उत्थे बादलां दा बेबी बीबा बच्चा बन के बोलदा है भी जिद्दण श्रोमणी कमेटी ने किसे ते उंगल चुकी डांगा लैके आ जिओ, क्योंकि उत्थे सिख जथेबंदियां नूं डांग फेरी गई, डांगा लैके आ जिओ, अज उहदे प्यो दियां डांगा कित्थे गईआं जदों इत्थे अग ला के चली गई बीबी, वह कित्थे सी, अज उह कहड़े घुरने च वड़ गया,
10 लाख दे के मुंह बंद करना आए सी तुहाडा और इत्थे दे ओ जिहड़े प्रबंधक मैं कहिंदा उन्हां ने 10 लाख लै के मुंह बंद कर लिया। किसी नूं नौकरी दा झांसा ये बादलों दे सिख तां हो सकदे ने, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिख नहीं आ। जे हुंदे ते अज आ जिन्नी संगत आई आ मीडिया वाले वीर विखा रहे आ किन्नियां जथेबंदियां है यार, किसी नूं गल रखण दा समां नहीं। महाराज जी की हजूरी च इन्हां नूं लगदा होना कि असी बखेड़ा खड़ा करांगे, नहीं असी महाराज जी की हजूरी च उच्ची साह लैण वाले नहीं। डांगा फेरनियां इन्हां महंतां दा कम है, असी अंदरों बाहर आए आ बाहर विशे हुए तप्पड़ां ते आके कीर्तन शुरू कर दिता। ये गुरद्वारे चों रोक सकते ने, इन्हां गलियां चों इन्हां सड़कां तों सानू रोक नहीं सकते। असी कीर्तन करके अज आवाज देने हैं सिख पंथ वाले, अज निर्णय करके जायो जे गुरु ग्रंथ साहिब दियां बेदबियां रोकनियां ने। एक अज सारे प्रण करो, चाहे इत्थे बादल क्या दे होन, चाहे कैप्टन क्या दे, चाहे किसे होर दे, जेड़ियां सरकारां गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां नहीं बनियां अज प्रण करियो उन्हां नूं पिंडां विच नहीं वरन देंगे। असी सियासी लड़ाई नहीं लड़नी, पर सियासी इन्हां नूं लड़न नहीं देनी। इन्हां दा बाइकाट करो, जेड़े लोग गुरु साहिब जी दियां पोथियां फड़ के सौवां खांदे सन अज कित्थे मर गए इंसाफ देण वेले, इसलिए प्रण करो। दूसरी गल, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जेड़ी FIR दर्ज हुई है, सिख जथेबंदियां उहदे च धिर बणन, क्योंकि इन्हां ने केस नूं रफा दफा करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵਾਚਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਕਾਇਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੜਨ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਮੰਗਣ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਭਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੜਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ? ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰੋ ਜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
हेठलियां अदालतां ने साडे केस डिसमिस कर दिते ने, हाई कोर्ट दे राह तोड़ दिता है और पंजाब सरकार अखा मिट्टी बैठी है ते बादल के मन मर्जियां करदे नजर आउंदे ने। इसलिए इन्हां सारियां दा एक हल है, सारियां नूं एक मिनट एक बेनती होर करदे आं, एक अज परन होर करियो। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धार्मिक है, सियासी नहीं। ए दियां चोणां सरकार क्यों करावे, सियासी बंदे क्यों लड़न, और सियासी बंदियां दा गुरुद्वारियां च कम की। अज ये भी प्रण करियो कि असी श्रोमणी कमेटी दी चोण सियासी लोकां नू नहीं लड़न देंगे। सिख जथेबंदियां मैदान विच नितरन, जिन्ना चिर गुरुद्वारा सिस्टम तुहाडे तो आजाद ना होया उन्ना चिर इन्हां सिर फिरियां नू नथ पैणी मुश्किल है। आओ नथ पाउण लई गुरु घरां दी बेअदबी रोकण लई लामबंद होईए, राजनीतिक भजाईए ते सिख नीति लियाईए। इंसाफ दी सानू इन्हां तो आस कोई नहीं, अपने इंसाफ आप लैने शुरू करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।